अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम अतफर, आप देख रहे हैं जीएम पावर टेक। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपना एडसेंस का जो पिन है वो किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद का प्रोसीजर जो है किस तरह से आपको ये मिलेगा और इसको आपने कैसे वेरीफाई करना है वो भी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा। तो इस वीडियो में मैं आपको जस्ट यही बताऊँगा कि आपने ये पिन जो है वो कैसे अप्लाई करना है। तो इसका जो अप्लाई का जो सीन था वो ये होता है कि एडसेंस में अगर आपके पास $10 ऐड हो जाते हैं, जो कि 11 से लेके हर मंथ की 11 तारीख से लेके 15 तारीख तक ऐड होते हैं, तो आपको एक एक्शन बटन दे दिया जाता है या आपको मेल कर दी जाती है। तो यहाँ पे मैं जिस अकाउंट पे आपको दिखाने वाला हूँ इसमें तकरीबन $7 से $8 जो है वो ऐड हुए हैं एडसेंस में, लेकिन यूट्यूब पर जो है वो $10 जो है शो हो चुके हैं। लेकिन इससे पहले ये होता था कि जब आपके $10 एडसेंस में ऐड होते थे तो फिर आपको ये एक्शन बटन दिया जाता था और मेल की जाती थी। लेकिन अभी आज मुझे एक मेल वसूल हुई है जिसमें उन्होंने अकाउंट की वेरिफिकेशन का कहा है कि आप अपनी आइडेंटिटी जो है वो वेरीफाई करें, और आइडेंटिटी वेरीफाई करने का मकसद ये होता है कि आप पिन को अप्लाई कर रहे हैं। तो मैं आपको बेसिकली प्रैक्टिकली तौर पे लैपटॉप की स्क्रीन पे जाके दिखाऊंगा कि यूट्यूब पे जो है $10 शो हो रहे हैं जबकि एडसेंस में जो वे $7 से $8 शो हो रहे हैं, लेकिन एक्शन जो बटन है वो हमको दे दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकली जो है वो लैपटॉप की स्क्रीन पे दिखाऊंगा। और मेरा ख्याल है कि YouTube इस पर काफ़ी ज़्यादा काम कर रहा है, क्योंकि एक और चीज़ एक हैरत कुन जो चीज़ है वो भी इसमें आएगी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि जो काम 24 आवर के बाद होता था अब वो उससे पहले हो रहा है। तो आइए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो लैपटॉप की स्क्रीन पे जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपके लिए मददगार साबित हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो आइए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, तो हम अपने ब्राउज़र को ओपन करेंगे लैपटॉप की स्क्रीन पर आने के बाद, और यहाँ से यूट्यूब को जो है वो क्लिक करेंगे। यूट्यूब ओपन होने के बाद हम अपने अकाउंट में जाएँगे, और अकाउंट में जाने के बाद योर चैनल पर, और चैनल पे क्लिक करने के बाद हमारा जो चैनल का पेज है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ से हम कस्टमाइज चैनल पे क्लिक करेंगे। कस्टमाइज चैनल पे क्लिक करने के बाद हम इसके एनालिटिक्स में जाएंगे, क्योंकि ये जो चैनल है ये मोनेटाइज हो चुका है। तो इसकी एनालिटिक्स में जाके हम चेक करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास कितने डॉलर शो कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 28 दिन के जो है वो 4 पॉइंट समथिंग जो है वो शो कर रहा है। तो यहाँ पे जैसे हम 365 डेज करते हैं तो यहाँ पे $10 पॉइंट समथिंग जो है वो शो कर रहा है। इट्स मीन के यहाँ पे $10 जो है वो ऐड हो चुके हैं। तो अभी हम जाएंगे एडसेंस में, और एडसेंस में जाके चेक करेंगे कि एडसेंस में जो है वो हमारी पेमेंट कितनी ऐड हुई है, और हमें जो मेल वसूल हुई है उसका भी मैं आपको स्क्रीन शॉट दिखाता हूँ। यहाँ पर आप एडसेंस में देख सकते हैं कि 7.55 जो है वो डॉलर ऐड हो चुके हैं, और यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हैं कि एक्शन बटन जो है योर पेमेंट आर करंटली ऑन होल्ड का जो ऑप्शन है वो भी दिया गया है। तो यहाँ पे हम व्यू पेमेंट में आते हैं, और व्यू पेमेंट में आने के बाद आपको एक ऑप्शन नज़र आएगी वेरीफाई की। ये वैसे भी अगर हम एक्शन पे क्लिक करेंगे तो वेरीफाई पे ही आएगा, लेकिन यहाँ पे भी आप देख सकते हैं $7.55 जो है वो यहाँ पर ऐड हुए हैं, लेकिन हमें जो एक्शन बटन है वो इतने में ही हमें देखने को मिल रहा है। तो एक्शन बटन पे क्लिक करने के बाद वो ऑटोमेटिकली वेरीफाई पे आ चुका है। यहाँ पे देखें, एक्शन पे क्लिक करते हैं और वो वेरीफाई की ऑप्शन दे देता है हमें। तो यहाँ पे हम वेरीफाई पे जो है वो क्लिक करेंगे। वेरीफाई को क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक और डायलॉग बॉक्स जो है वो हमें शो हो रहा है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी यू नीड योर वैलिड गवर्नमेंट इशूड फोटो आईडी कार्ड विद नेम क्लियरली विजिबल, जो नज़र आ रहा हो बिल्कुल क्लियरली आपका जो आईडी कार्ड है उसके ज़रिए आपने इसको वेरीफाई करना है। इसके लिए आपको जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, यहाँ पे मैं अपना नाम लिखूँगा। तो नाम जो है वो मेरा एडसेंस में ऑलरेडी जो है लिखा जा चुका था, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे नाम ऐड हो गया। और उसके बाद जो एक्सेप्टेड प्रूफ फॉर आइडेंटिटी जो है डॉक्यूमेंट्स, उसमें ड्राइविंग लाइसेंस है, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है, और पासपोर्ट की जो कापी है वो, यानी कि उसका फ्रंट पेज जो है वो आप लगा सकते हैं। तो क्लियरली आई थिंक सो कि इसमें जो है वो आईडी कार्ड ही रहेगा। तो यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे मैं क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे मैं अपनी हार्ड ड्राइव में से जहाँ पे मेरा आईडी कार्ड जो है वो पड़ा हुआ है वहाँ पे जाता हूँ। और वहाँ पे जाने के बाद अपने डॉक्यूमेंट्स में मैं यहाँ पे इसकी जो पिक्चर है वो अपलोड करूँगा, और यहाँ पर मैं ये जो है आईडी कार्ड की पिक्चर इसको हाइड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है वो अपलोडिंग वो स्टार्ट हो चुकी है। अपलोडिंग स्टार्ट होने का प्रोसेस जो है वो 4 से 5 सेकंड या 10 सेकंड या ऑन नेट डिपेंडेड है कि कितना टाइम लगता है। तो ये तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं कि ये ऐड जो है वो हो चुकी है। तो अभी हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और इसका बाकी का प्रोसेस जो है वो देखेंगे। तो यहाँ नेक्स्ट पेज पे आने के बाद यहाँ पे एड्रेस और सिटी नेम
और पोस्टल कोड वगैरह बकिया जो डिटेल है वो पूछ रहा है, जो कि एडसेंस में आपने अप्लाई की थी वही आपने यहाँ पे लिखनी है, सेम टू सेम, इसमें कोई भी फ़र्क नहीं आना चाहिए, अदरवाइज़ आपका पिन जो है वो रुक जाएगा और पेंडिंग पे चला जाएगा और आपको 3 से 4 माह लग सकते हैं इसे दोबारा हासिल करने में, और ये सारा प्रोसेस आपको दोबारा से करना पड़ेगा। तो ये पेज कम्प्लीट करने के बाद, इस लिखने के बाद हम सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद जो है हम देखते हैं कि यहाँ पर कौन सी ऑप्शन जो है वो हमारे पास शो करता है और ये कितने टाइम में जो है वो होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेट की थोड़ी स्पीड की वजह से जो है वो अंडर प्रोसेस है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेरिफिकेशन इन प्रोग्रेस, इसका जो है मैसेज आ चुका है और ये प्रोसेस जो है वो बता रहा है कि फ्यू डेज़ का है, तो कुछ दिनों के अंदर अंदर जो है ये प्रोसेस कम्प्लीट हो जाएगा। लेकिन मेरे मोबाइल पर यहाँ पर जो है वो मेल एक वसूल हो चुकी है जो कि इसकी ओके की है कि हम आपका एड्रेस और आपकी आइडेंटिटी जो है वो वेरीफाई कर चुके हैं। यहाँ पे गॉट इट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे गॉट इट पे क्लिक नहीं हो रहा, लेकिन मेरे पास मेल जो है मोबाइल पे वो सूल हो चुकी है, उसका स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस पेज को हम करेंगे रिफ्रेश। तो रिफ्रेश करने के बाद हमारे सामने जो लेआउट आएगा उसको हम देखेंगे कि उसमें एक्शन बटन अभी भी अपीयर हो रहा है या वो ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि $7.55 जो है वो अभी भी शो कर रहा है, और यहाँ पे एक्शन का जो बटन है वो यहाँ पे भी हमें वेरीफाई का या एक्शन का बटन देखने को नहीं मिल रहा, और एडसेंस फॉर यूट्यूब जो है वहाँ पे भी हमें एक्शन या वेरीफाई का बटन जो है वो देखने को नहीं मिल रहा। तो उसके बाद हम यहाँ पे अपनी पेमेंट का जो मेथड है उसमें जाएंगे और वहाँ से हम क्लियरली इसका मैसेज जो है वो चेक कर लेंगे कि आया हमें जो मेल आई है वो बिल्कुल दुरुस्त है, वो वाकई हमारा जो एड्रेस है वो वेरीफाई हो चुका है। तो यहाँ पर वेरीफिकेशन चेक पर हम जाएँगे पेमेंट में आने के बाद, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंप्लीट हो चुकी है, और आइडेंटिटी कंप्लीट होने के बाद जो है ये आपको पिन की जो वेरिफिकेशन है वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह एडसेंस पिन जो है वो मैंने आपको प्रैक्टिकली आपको जो है वो बता दिया है कि आपने इस तरह से अप्लाई करना है, और ये मेल जो है वो आपको 0 पॉइंट से ले कर $10 तक किसी भी टाइम जो है वो वसूल हो सकती है। और इस मेल जो मुझे 2 मेल्स आई थी उनका जो है मैं आपको यहाँ लेफ्ट या राइट साइड पे मैं आपको दोनों का स्क्रीनशॉट जो है वो दिखा देता हूँ। एक वो उसका जिसमें उन्होंने वेरीफाई के लिए कहा था, और सेकंड उसका जिसमें उन्होंने इस चीज़ को वेरीफाई किया था कि हमने आपकी आइडेंटिटी जो है उसको वेरीफाई कर लिया है। इसका अगला जो प्रोसेस है वो हम आपको बताएंगे, तो इससे अगले वाली जो मेल है उसका हम वेट करेंगे। तो आज कल तक की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी मजीद नई अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।